बेटा रुको, ये हेलमेट ले लो, आगे पुलिस वाले खड़े। अरे नहीं नहीं अभी जेएम पुलिस वालों को मैं देख लूंगा। अरे बेटा काहे को चालान करवाते हो, ले लो हेलमेट। अपना सामान बेचने के लिए हमें बुद्धू बनाते हो कि आगे पुलिस वाले खड़े? हमें पता है कोई पुलिस वाले नहीं खड़े वहाँ। नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, सामने पुलिस वाले खड़े पेड़ के नीचे, आपका चालान हो जाएगा। ले लो बेटा ले लो। अच्छा कितने का दे रहे हो? फ्री बेटा फ्री में। हाँ बेटा ऐसे करना, कल घर से लौटते वक्त मुझे वापस कर देना, मैं यही रोड खड़ा मिलता हूँ रेड लाइट के पास। नौ दो ले लो एक और। नहीं नहीं और नहीं चाहिए, है हमारे पास दूसरा हेलमेट, हमने लगा नहीं रखा था। बता। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अंकल जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अबे यहाँ तो कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा। अरे बुद्धू बना गया बुड्ढांग को। चल कोई नहीं, हमने कौन सा कोई पैसे दिए, फ्री में लिया हेलमेट। सुन हेलमेट ले लो अंकल का देने के लिए। अरे नहीं नहीं यार, आज हम नोएडा वाली तरफ जा रहे हैं, गुड़गांव वाली तरफ नहीं जा रहे हैं, और वैसे भी रात हो रही है, रात में थोड़ी अंकल जी हेलमेट बांट रहे होंगे लोगों को। अरे रख लेते हैं यार, पुलिस वाले देखेंगे तो पहन लेंगे। तू ले ले जल्दी चल, लेकिन लेट हो रहा बहुत, चल जल्दी अब। अबे वो देखियो, वो अंकल तो यहाँ भी हेलमेट बांट रहे। तू एक काम कर, जा उनका हेलमेट वापस कर। क्या? अबे नहीं नहीं, अबे हो सकता है आज यहाँ तो पुलिस वाले हो, पकड़ लेंगे भाई, ये ले पहन ले। चल भाई चल जल्दी चल। अबे हेलमेट तो उतार दे, ऐसी जगह क्या क्या हुआ यार? ये हेलमेट नहीं निकल रहा, पता नहीं क्या हो गया। ले तू कोशिश करियो एक बार। ओ भाई भाई ये तो निकल ही नहीं रहा यार, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, क्या करें अब भाई, इसको तो कटवाना पड़ेगा फिर। नहीं नहीं कटवाने के चक्कर में कहीं मेरा सर कट गया। एक काम कर बैठ, उस अंकल के पास चलते हैं, रेड लाइट पे बांट रहे हैं ना हेलमेट, उनको बताता हूँ पहले मैं, पता नहीं क्या मंत्र मार के हेलमेट दिया है। अरे भाई सुनो सुनो भाई, यार रेड लाइट पे अंकल जी हेलमेट बांटते हैं, पता है क्या उनके बारे में? नहीं पता। हाँ अपन बाड़ी बैठे उससे पूछ लो। अच्छा वो अंकल जी वो नहीं मिलेंगे भैया, उनके तो एक साल पहले डेथ हो गई। ऐसा हुआ कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टरों ने बोला अगर हेलमेट पहना होता तो बच जाता, बस अंकल जी ने उसके बाद अपने आप को भी ख़त्म कर लिया। तब से उनकी आत्मा ऐसे ही सड़क पर लोगों को हेलमेट बांटते थे। अरे तो उन्होंने मुझे हेलमेट दिया था, अब मैं ये हेलमेट उतारू कैसे? ये तो उतर ही नहीं रहा, कहाँ ढूंढ ढूंढ के आत्मा। आप एक काम करो, आप मन में ये सोचो कि अब से हमेशा हेलमेट पहनूंगा, तब देखना हेलमेट अपने आप इधर जाएगा। पक्का? हाँ हाँ। अरे वाह भैया, थैंक यू थैंक यू। इनका परिवार तो खत्म हो चुका है, लेकिन आप अभी भी बच सकते हैं।